आप जब तक जिंदा रहूंगा उम्मीदवारी पर चर्चा आप जैसे मित्र करते रहेंगे। प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है ये बहुत ही दुखद है और बहुत हास्यास्पद है। भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और। एक नंबर की दुकान पड़ती है लाचित अनिल, उसके आस पास ही जो एक रास्ता था उसका, उसमें जो स्लैब गिरना था वो नहीं डाला था। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी हम जो है दिल्ली रोड स्थित एक होटल में और यहाँ पर आज पत्रकार वार्ता रखी गई है। पत्रकार वार्ता में पहुंचे हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आपको बता दें कि आज उन्होंने पत्रकार वार्ता रखी है, किस मुद्दे को लेकर कही है आइए जानते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण कानून को जब कानून का रूप लेगा तो उसको आप जो है 2024 से ही लागू करिए लोकसभा चुनाव, और कोई भी संशोधन करना पड़े हम आपका साथ देंगे। उसमें सब कोटा भी जो ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए महिलाओं का, ओबीसी और एससी एसटी की महिलाओं के लिए भी आप उसमें प्राविधान करिए। नंबर टू, भाजपा सांसद श्री रमेश बिदुड़ी का आचरण, जिस तरीके की हेट स्पीच भारत की संसद में उन्होंने दी है और जिस तरीके के अभद्र शब्दों का अपने सहयोगी के लिए टेररिस्ट आदि शब्दों का उपयोग किया है संसद के पटल पर, वो निंदनीय है। और भाजपा यदि नैतिक मूल्यों का पालन करती है तो वो उनको चाहिए कि हेट स्पीच में रमेश बिदुड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और अपने सांसद को अपनी पार्टी से निष्कासित करें। किसानों की मांगों को लेकर के किसान कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था देहरादून में, हजारों की संख्या में किसान वहां गए थे और शाम को हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मांग है कि एक तो जो 1100 रुपया प्रति बीघा आपदा का किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है वो किसानों का अपमान है, उसको बढ़ा करके 10,000 किया जाना चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि गन्ना चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, गन्ने इथेनॉल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी मांग बढ़ रही है, आप गन्ना किसानों से जो गन्ना खरीद मूल्य है शीघ्र घोषित करिए और 425 रुपया 425 रुपये से अधिक करिए। तीसरी मांग है इकबालपुर चीनी मिल का जो 100 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है इकबालपुर चीनी मिल पर, उसके भुगतान के लिए मुख्यमंत्री कदम उठाएं। जो वादा उनका था, उस वादे को, जो लिखित वादा है उस वादे को पूरा करें, और उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसमें किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमको भी बुलाएंगे। तीसरी है कि फसल चक्र के अनुसार 6 महीने के लिए किसानों का बिजली पानी का माफ किया जाए और जो कर्ज है उनके ऊपर उस कर्ज का 6 महीने का ब्याज माफ किया जाए। भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। भाजपा हमेशा जो मोहेपन से काम लेती है, यदि दूसरे के मामले में कहीं जुए खोजती है, लीक खोजती है और उनके ऊपर खटमल भी पड़े हों तो उनको नहीं देखती है। और भाजपा सांसद ने जिस तरीके का आचरण किया है वो निंदनीय है। ये भाजपा के की चुप्पी और उनके शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है ये बहुत ही दुखद है और बहुत हास्यास्पद है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है, ये पार्टी हाईकमान के कार्यक्षेत्र का विषय है और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। बाकी जो है आप जब तक जिंदा रहूँगा उम्मीदवारी पर चर्चा आप जैसे मित्र करते रहेंगे उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। कलियर के जो विधायक हैं फुरकान अहमद वरिष्ठ कांग्रेस, आपका आया कि कलियर में जो उर्स मेला चल रहा है उसमें वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं उन व्यवस्थाओं पर आपने कड़ी नाराजगी जाहिर करी है, क्या क्या जरा आप जरा बताइए। नहीं उसमें हमने, मैं अभी 4-5 दिन पहले गया था क्योंकि एक तो जो लाइट है वो बहुत डिम जल रही थी, मानो जब ठेकेदार को ठेका छोड़ा गया तो वैसे ही होना चाहिए। फिर जो रास्ते थे जो मानो स्लैब डल रहे थे
बहुत सी जगह जहाँ हमारे एक नंबर की दुकान पड़ती है इलायची दाने की, उसके आसपास ही जो एक रास्ता था उसका, उसमें जो स्लैब गिरना था वो नहीं डाला था, शायद मुझे उम्मीद है वो डाल दिया गया।